कांग्रेस अधिवेशन में काली साड़ी पहनकर पहुंची कांग्रेस की खूबसूरत नेता ने राहुल गांधी को बनाया अपना दीवाना। महलों की रानी को देख राहुल भी नहीं रोक पाए अपने आप को। जी हां, आपको चले कि अभी हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे राज्य से लगभग हजारों प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में पहुंचे थे। इसी बीच सबसे जानी मानी नेता और कांग्रेस के सबसे खूबसूरत नेता रुक्मिणी कुमारी भी इस अधिवेशन में पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, जिसे देखकर हर कोई दंग हैरान रह गया था। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताया चले कि कांग्रेस अधिवेशन में पहुंची राजस्थान की कांग्रेस नेता रुक्मिणी कुमारी लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहती है। इसी बीच जब वह कांग्रेस अधिवेशन में पहुंची तो उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था, या यूं कहे काली रंग की साड़ी पहनकर वह कांग्रेस अधिवेशन में पहुंची थी, जिसे देखकर हर कांग्रेस नेता वाह वाह कर रहा था। वहीं राहुल गांधी की नजर जैसे ही कांग्रेस की सबसे खूबसूरत नेता रुक्मिणी कुमारी पर पड़ी तो राहुल गांधी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनसे कुछ देर तक बातचीत भी राहुल गांधी यहां पर करते हुए नजर आए। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताया चले कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी की तरफ से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग हजारों की तादाद में प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और अपनी अपनी बात आला कमान के सामने उन्होंने रखा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अधिवेशन में काली साड़ी पहनकर एक बार फिर से रुक्मिणी कुमारी ने तहलका मचा दिया, जिसकी वजह से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।